इस बीच एक बड़ी खबर, यूपी में 427 कॉलेजों को डी फार्मा एनओसी निरस्त कर दी गई है। लखनऊ के 3 इंस्टीट्यूट का एनओसी रद्द कर दिया गया। फिरोजाबाद, हाथरस, सोनभद्र, बुलंदशहर, इटावा के 2 कॉलेज भी शामिल है। पूर्व सचिव पर भी होगी कार्रवाई। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें यूपी में 427 कॉलेजों की डी फार्मा एनओसी को रद्द कर दिया गया। लखनऊ के 3 इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल है। फिरोजाबाद, हाथरस, सोनभद्र, बुलंदशहर, इटावा के 2 कॉलेज भी शामिल है। मयूर शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ गए। मयूर, बताया जा रहा कि करीब डी फार्मा के बताया जा रहा कि बहुत सारे कॉलेजों के जो है एनओसी को रद्द कर दिया गया, वजह क्या बताई जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी ये जानकारी मिली है कि यूपी में लगभग 427 ऐसे कॉलेज हैं जिनके डी फार्मा की एनओसी को निरस्त कर दिया गया। ये बड़ी खबर है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में इस तरीके के कॉलेजेस चल रहे थे जिनको एनओसी निरस्त करनी जो है पड़ गई। इसमें लखनऊ के 3 इंस्टीट्यूट शामिल है, जो फिरोजाबाद, हाथरस, सोनभद्र, बुलंदशहर, इटावा के 2 कॉलेज भी शामिल है और पूर्व सचिव पर भी कार्रवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि 427 जो कि बड़ी संख्या है, इतने जो है कॉलेज फर्जी तरीके से प्रदेश में चल रहे थे और जितने और जिसके भी हस्ताक्षर से ये चल रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और सचिव की भी जांच की जाएगी। अगर वो उनकी भी कोई गलती खामी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।